अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, रियान इलेक्ट्रिक वर्क चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पावर बोर्ड स्विच ऑन नहीं हो रहा है, ये देखिए चाहे जितना दबाइए ये सही से ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, ये ऑफ है, इसको ऑन करते हैं, ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आज इसको मैं सही करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मुझे इसको ओपन कर लेना है। आज मैं इस स्विच को रिपेयर करके बताने वाला हूँ। ठीक है, पावर बोर्ड का ये 16 एम्पियर का स्विच है, इसको रिपेयर करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये जो एक ये पेच और एक ये पेच, ऊपर नीचे दो पेच लगे हुए हैं स्विच के, इसको खोल लेना है। इन दोनों पेचों को खोल लेना है, एक ये पेच और इसके ऊपर वाले एक ये पेच। ये दोनों पेचों को यहाँ से निकाल लेना है, खोल लेना है। ये देखिए, ये पूरा स्विच आपका ओपन हो गया। ये रही पत्ती, ठीक है, ये पत्ती, ये अंदर वाला जो ये है, ये यहाँ पर इसका ये वाला ऊपर वाला टच होता है ऐसे। ठीक है, ये ऐसे रखा होता है और जब इसको ऑन करना होता है तो ये ऊपर टच हो जाता है, ऑफ़ करना होता है तो ये ऊपर ऐसे उड़ जाती है। ठीक है, और ये जो बीच वाला ये टर्मिनल है, इसमें ये कंटिन्यू टच रहती है। और इस पत्ती को भी सही से साफ़ कर लेंगे। ठीक है, इस पत्ती को भी सही से साफ़ कर लेंगे ताकि कोई कार्बन अर्बन ना हो। ठीक, तो इस पत्ती को रखते हैं यहाँ साइड में। ठीक है, अब इसके ये दोनों टर्मिनल निकालने हैं मुझे। ठीक, तो क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये एक ये पत्ती ब्लैक कलर की लगी, इसको आगे खिसकाएंगे, आगे खिसकाएंगे, उसके बाद यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। ये देखिए, ये पूरी प्लास्टिक हमें यहाँ से ओपन कर लेना है, ये यहाँ से इसको निकाल लेना है। ठीक है, इस पत्ती में कुछ नहीं है, प्लास्टिक का कवर होता है। ठीक, ये दोनों टर्मिनल यहाँ बाहर आ जाएंगे। देखिए, ये देखिए, ये दोनों टर्मिनल बाहर आ गए, ये खाली हो गया। ठीक है, इसको भी रखते हैं यहाँ पर साइड में, इसको भी हमें सही से साफ़ कर लेना है। देख पा रहे हैं ये कितना ब्लैक ब्लैक हो गया है, काला काला कितना हो गया है। ठीक, ऐसे ये भी देख पा रहे हैं कितना काला है। ठीक है, ये देखिए कितना काला है, तो मुझे ये दोनों साफ़ कर लेने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने साफ़ कर लिया है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, ये मैंने साफ़ कर लिया है सारे तरफ से। ठीक है, ये एकदम साफ़ हो गया है। ठीक, ये इतना करना था। और ये जो स्विच है, ये देख लेना है, ये स्प्रिंग सही से वर्क कर रही कि नहीं। ये तो ये स्प्रिंग एकदम सही से वर्क कर रही, देखिए ये देखिए, ये सही से एकदम वर्क कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत क्या थी, सिर्फ यही था कि इसमें कार्बन जम जाता है। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इसमें काला काला पूरा हो जाता है, तो इसको सही से साफ़ कर लेना है पूरा। ठीक, और ये जो पत्ती है, ये पत्ती इस पर आके ऐसे टच होती है। ठीक, ये इस पर ऐसे टच होती है, जब ऑन किया जाता है तो ये टच होती है, ऑफ़ करने से ये ऐसे उठ जाती है। ठीक, ये टच हो जाती है, और जो ये वाली है, ये इस टर्मिनल में, इसमें हमेशा ऐसे टच रहती है। ऑफ़ ऑन करना होता है तो ये उड़ जाती है, ऑन करना होता है तो ये आपस में टच हो जाती है। ठीक, तो चलिए इसको पैक करके दिखाते हैं। ठीक, कि बढ़िया काम किया या नहीं किया, तो चलिए इसको देख लेना उल्टा सीधा। ठीक है, और ये दोनों टर्मिनल हैं। ठीक है, ये वाला टर्मिनल जिसमें ये ऊपर खोटी बनी हुई है, ये ऊपर वाली साइड में जाएगा। ठीक है, ये इसमें चला जाएगा, और जो ये वाली है जिसमें ये खांचा बना हुआ है, ये नीचे वाले जगह पे ऐड कर देना। ठीक है, और ये जो कैप इसका बचा, ये कैप इसमें लगा देना है, ये ऐसे लगा देना, ये ऐसे लगा देना, ये देखिए लग गई है। ठीक है, ये दोनों अपने आपस में, ये भी लग गया है, ये भी लग गया। ठीक, और जो ये पत्ती है, जो पत्ती है, ये पत्ती देखिए, ये ऐसे ऊपर लगेगी और बीच वाला उसी पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो स्विच लेना है, ये स्विच बीच में ऐसे, ये ऐसे स्विच पैक हो जाएगा। ठीक है, और इसको इसमें ऐसे लगा कर, ठीक है, और इसके साथ दोनों पेच टाइट कर देना। ये देखिए, ये दोनों पेच इसमें सही से टाइट कर देना है। ठीक, ये देखिए, ये टाइट हो गया है। ठीक है, टाइट हो गया है। अभी आप देख पा रहे थे कि ये स्विच ऑन नहीं हो रहा था, अब देखिए ऑन भी होने लगा सही से। ये देखिए, सही से ऑन होने लगा है। ठीक है, ये देखिए, एकदम सही से प्रॉपर काम करा, अब आवाज़ भी सुन सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब इसकी वायरिंग करके दिखाते हैं आपको। इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में ये तार लगा देना है। ठीक है, ये इसमें लगा देना है, और इसके एल वाले टर्मिनल में, ठीक है, राइट साइड वाले में इसको
ये टुकड़ा ऐड कर देना है, ये इसमें ऐड कर देना है। तार एकदम प्रॉपर टाइट करें, ठीक है। अब इसमें ये रेड वाला, ये रेड वाला फेस इनपुट है, ये स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये ब्लैक वाला, ये इनपुट न्यूट्रल है, ये सॉकेट के एन वाले टर्मिनल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी वायरिंग हो गई है बोर्ड की, ठीक। तो चलिए अब इसको चेक करते हैं, सही से प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके दोनों पेज टाइट कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा बोर्ड, इसको इसमें लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, बोर्ड का स्विच ऑन करते हैं, इसको टेस्टर ग्लो करके देखते हैं। ये देखिए टेस्टर काम कर रहा है, स्विच ऑफ करते हैं, ग्लो करना बंद कर देता है, ऑन किया तो ये ग्लो करने लगा और न्यूट्रल में न्यूट्रल आ रहा है, ठीक है। अब इसको चार्जर लगा के चेक करते हैं। ये रहा मेरे पास चार्जर, ठीक है। ये चार्जर है, ठीक है, चार्जर है, इसको हम इसमें लगाते हैं। ये इसमें लग गया है, स्विच देखिए ऑफ है। ये रहा फ़ोन, ठीक है, ये इसमें मैंने लगाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। स्विच इसका ऑन करेंगे, चार्जिंग शो हो जाएगी। ये देखिए ऑफ़ करने से चार्जिंग बंद और ऑन करने से चार्जिंग चालू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला होगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे रेहान इलेक्ट्रिक वर्क चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।